नमः शिवाय। दोस्तों, एक बार की बात है कि देवर्षि नारद भगवान विष्णु का नाम लेते हुए यमलोक में पहुंच जाते हैं। नारद जी जब यमलोक में पहुंचते हैं और यमराज उन्हें देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं और कहने लगते हैं कि हे देवर्षि, आपका स्वागत है हमारे यहाँ। आज आप अवश्य ही यहाँ किसी महत्वपूर्ण काम के लिए आए होंगे। यमराज की बात सुनकर के नारद जी कहते हैं कि धर्मराज, आपको मेरा सादर प्रणाम। मैं आज एक शंका को दूर करने के लिए आपके पास आया हूं। आप तो त्रिकालदर्शी हैं धर्मराज, और आप ही हर प्राणी के पाप और पुण्य का लेखा जोखा अपने पास में रखते हैं। आज मैं मनुष्य के भाग्य में बारे में जानना चाहता हूं। तभी धर्मराज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे नारद जी, अपने प्रश्न को निसंकोच होकर के कहो, मैं आपको अवश्य ही आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तभी नारद मुनि कहते हैं कि हे यमराज, मैं जानना चाहता हूं कि क्या भाग्य का लिखा हुआ बदला जा सकता है। नारद जी की बात को सुनकर के यमराज कहते हैं कि हे मुनीश्वर, प्राणी चाहे कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। मनुष्य चाहे कितना ही प्रयत्न कर ले, लेकिन वह कभी भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति की जिस तरह से करनी होती है उसी तरह से उसे भरना भी पड़ता है। आपने सुना होगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप चाहे सत्कर्म करोगे या दुष्कर्म करोगे, आपको उसी तरह सफल प्राप्त होगा। हे मुनिवर, आज मैं आपको इसी विषय में मनुष्य के भाग्य की लिखी हुई एक कहानी सुनाता हूं, और इसी कहानी के माध्यम से मैं आपके मन की जो भी शंका है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। आप इसे ध्यान से सुनना। यमराज की बात को सुनकर के देवर्षि नारद कहते हैं कि हे धर्मराज, इस पावन कथा को मैं पूरा सुनूंगा और ध्यान से सुनूंगा, और मनुष्य जाति के कल्याण के लिए मैं इस कथा का प्रचार प्रसार भी करूंगा। धर्मराज कहते हैं कि हे मुनिवर, एक समय की बात है कि काशी नगरी में देव शर्मा नाम का एक बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। वह उस राज्य के राज मंदिर में पुजारी का काम करता था। वह ब्राह्मण देव शर्मा सभी धर्मशास्त्रों में पूरी तरह से पारंगत था और राजा का मुख्य सलाहकार भी था, जिस कारण से उसे पूरे नगर में बड़ा सम्मान मिलता था और पूरे नगर में वह पंडित देव शर्मा के नाम से विख्यात था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका जो मित्र था वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से अपाहिज था। उस पंडित के नगर से उसके मित्र का जो घर था वह काफी दूर था। वह जाने के लिए बीच में बहुत छोटे छोटे गांव को पार करके वहां पर पहुंचना होता था। पंडित जी जब सुबह दूसरे दिन सो करके उठे तो अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, आज मैं अपने बचपन के मित्र सुदामा से मिलने के लिए जा रहा हूं। तुम जल्दी से मेरे भोजन का प्रबंध कर दो, और रास्ते में यदि मुझे भूख लगेगी तो मैं उसी को खा करके अपनी भूख को शांत करूंगा। पति की बात सुनकर के ब्राह्मणी कहती है कि ठीक है, आज मैं अभी आपके साथ भोजन सहित अन्य कुछ सामान दे करके सारा प्रबंध कर देती हूँ। आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा, अगर लौटने में देर हो जाए तो किसी धर्मशाला में रुक जाइएगा। पत्नी की बात सुनकर के पंडित जी अपनी पत्नी की इस बात से हामी भर देते हैं। भोजन को साथ लेकर के वह पंडित जी अपने मित्र से मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ते हैं। पंडित देव शर्मा जब रास्ते में अपनी ही धुन में चले जा रहे थे, तभी चलते चलते उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो देखने में बहुत ही बलवान, हष्ट पुष्ट और काले रंग का था। उस व्यक्ति को जब पंडित देव शर्मा देखते हैं तो वे कुछ घबरा जाते हैं, क्योंकि दूर सेवा किसी राज्य के गुप्तचर जैसा लग रहा था। लेकिन उसके हाव भाव से इस तरह से लग रहा था कि मानो वह किसी का इंतजार कर रहा हो। जब पंडित जी चुपचाप वहां से निकले, तभी वह भी पंडित जी के साथ में चलने लगा और पंडित जी की तरफ देख करके वह मुस्कुराने लगा। उस व्यक्ति को देख करके अब पंडित जी बहुत खुश हो जाते हैं। वो विचार करने लगते हैं कि चलो अच्छा है, उसके साथ साथ चलने से उनका भी सफर बड़ी आसानी से कट जाएगा। बातों की शुरुआत करने के लिए पंडित जी ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम जो था वह महाकाल बताया। पंडित जी को यह नाम सुनकर के बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने उस विचित्र व्यक्ति से कुछ भी नहीं पूछा। अब दोनों धीरे धीरे साथ में चले जा रहे थे, तभी क्या होता है, रास्ते में एक गांव पड़ता है। उस गांव का द्वार आते ही महाकाल ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप आगे चलो, मुझे इस गांव में एक छोटा सा काम है, मैं उसे पूरा करके आपके पास अभी आगे मिलता हूं। तभी पंडित जी ने कहा कि ठीक है भाई, और वह आगे रास्ते में चल देते हैं।
पंडित जी उसी गांव के बाहर वाले रास्ते से अगले गांव की ओर निकल पड़े। तभी कुछ देर के बाद उस गांव से यह खबर फैली कि किसी व्यक्ति को एक जंगली सांड ने अपने सींग में फंसा करके पटक दिया है। यह बात जब पंडित जी के कानों में पहुंची तो कुछ ही देर में देखते हैं कि महाकाल पंडित जी के पास फिर वापस पहुंच गया था। फिर से उन दोनों ने आगे की यात्रा शुरू की। अब उन्हें आगे एक नदी को पार करके दूसरे गांव में जाना था और उस नदी के किनारे एक छोटी सी नाव थी। पंडित जी और महाकाल सहित अन्य 4-5 लोग उस छोटी सी नाव में सवार होकर के नदी को पार करने के लिए चल देते हैं। जब वह नाव एक किनारे से दूसरे किनारे के लिए जाती है तभी पंडित जी उस नाव से उतर जाते हैं। महाकाल पंडित जी से कहता है कि हे पंडित जी, आप इस गांव के मंदिर की ओर जाइए, मैं आपको अभी थोड़ी देर में आकर के वहीं पर मिलता हूं। पंडित जी बेचारे वहां से निकल पड़ते हैं और कुछ देर जाते ही वह नाव अचानक से पानी में पलट जाती है और उसमें बैठे अन्य सभी लोग गहरे पानी में डूब जाते हैं। पंडित जी लोगों को बचाने की कोशिश बहुत करते हैं लेकिन नदी के किनारे आते हैं लेकिन वहां कोई भी नहीं होता है। पंडित जी को तैरना तो आता नहीं था इसलिए उन्होंने नदी में छलांग लगाना उचित नहीं समझा और वह मन ही मन बहुत दुखी होकर के वहां से चुपचाप कुछ देर तक बैठे रहे। लेकिन तभी उनका जो मित्र था वह अचानक नदी से बाहर निकलता है जिसको देख करके पंडित जी बहुत प्रसन्न होते हैं। महाकाल ने उन्हें कहा कि पंडित जी चलो आगे की ओर चलते हैं, उस नाव में जो भी था मैं किसी को भी नहीं बचा सका और ना ही कोई बच सकता है, पानी का बहाव अब काफी बढ़ चुका है। दुखी मन से पंडित जी महाकाल के साथ अब आगे गांव की ओर निकल पड़ते हैं। दोस्तों चलते चलते जब वह तीसरे गांव के द्वार पर पहुंचते हैं उस गांव के बाहर एक बड़ा ही सुंदर और विशाल भगवान शिव का मंदिर बना हुआ था। वहां पर आराम करने की बहुत अच्छी सुविधा लग रही थी और पंडित जी के मित्र का घर वहां से अभी बहुत दूर पर था। रात भी होने वाली थी। पंडित जी ने अपने मित्र महाकाल से कहा कि मित्र अभी रात्रि होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते हम थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, अब हम यहीं पर रुक करके भोजन करते हैं। मैं अपने साथ में कुछ भोजन को बांध करके लाया हूँ, हम इसे ही मिल बांट करके खा लेते हैं और यहीं पर थोड़ा सा आराम करते हैं और रात्रि गुजारते हैं, फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा करेंगे। पंडित देव शर्मा की बात सुन करके महाकाल ने कहा ठीक है, आज की रात हम यहीं रुक जाते हैं। तभी महाकाल ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप यहीं विश्राम करिए, मुझे इस गांव में किसी को कुछ महत्वपूर्ण संदेश देना है और वह संदेश देने के लिए मैं यहां से जाता हूं। आप भोजन करके यहीं विश्राम करो और मैं थोड़ी ही देर के बाद यहां पर वापस आकर के तब भोजन करूंगा। इतना कह करके वह वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के कुछ ही देर के बाद उस गांव में अचानक से चारों ओर भागी भागा का माहौल हो जाता है और एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाता हुआ भागता हुआ उस ओर आता है और कहता है कि बचाओ बचाओ, मेरा घर और परिवार पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुका है, हे भगवान उनकी रक्षा करो। तभी चारों ओर से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। अब पंडित जी ने हैरानी से सोचा कि यह महाकाल जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। लेकिन पंडित जी ने रात्रि के समय महाकाल से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वे दोनों वहीं पर सो गए। अगली सुबह जब होती है दोनों फिर से अपनी यात्रा को शुरू करते हैं तो कुछ ही देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक नया गांव आता है। तभी महाकाल ने फिर पंडित देव शर्मा से कहा कि पंडित जी आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने के लिए जाना है और मैं अपने मित्र से मिलने के बाद आपको आगे रास्ते में मिलूंगा। इतना कह करके महाकाल वहां से चला गया। लेकिन पंडित देव शर्मा इस बार आगे नहीं गए बल्कि वहीं खड़े होकर के महाकाल को देखते रहे कि अब वह कहां जा रहा है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर के बाद खेतों से लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को किसी सांप ने डस लिया है और सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित जी के पास वापस पहुंच जाता है। लेकिन इस बार पंडित जी से रहा नहीं गया और उन्होंने महाकाल से पूछ ही लिया कि भाई आप जिस भी गांव में जाते हैं वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है, आप ही के जाने पर वहां कोई ना कोई दुर्घटना क्यों घटती है। तभी महाकाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि पंडित जी आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है।
परंतु आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ। तभी पंडित जी ने कहा कि मैं कुछ कुछ समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका भी है। अगर आप ही अपना परिचय दे देते तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती। पंडित देव शर्मा की बात को सुनकर के महाकाल कहने लगा कि पंडित जी ध्यान से सुनिए, मैं एक यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से मैं उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु अभी पूरी हो चुकी है। पंडित जी को पहले से ही इस बात की आशंका थी और आभास भी हो रहा था। महाकाल के मुंह से यह बातें सुनकर के वह घबरा गया, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके पूछते हैं कि अगर आप सच में यमदूत हैं तो मुझे बताओ अगली मृत्यु किसकी है। पंडित देव शर्मा की बात को सुनकर के महाकाल ने उत्तर दिया कि पंडित जी, अगली मृत्यु तो आपके उसी मित्र की है जिससे आप मिलने के लिए जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी आप ही बनोगे और वह अपने अंतिम क्षण आपकी गोद में ही बिताएगा और अपने प्राणों को त्याग देगा। यह बात सुनकर के पंडित जी के रोंगटे खड़े हो गए, हाथ पैर कांपने लगे और गहरे विचार की मुद्रा में वह खो गए। मन ही मन सोच रहे थे कि अगर सच में यह महाकाल यमदूत हुआ तो उसकी यह बात भी सच होगी और इसी कारण से मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र सुदामा की मृत्यु भी हो जाएगी। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने के लिए ही न जाऊं और यहां से वापस लौट चलूं, कम से कम उसके प्राण तो बच जाएंगे और मैं उसके प्राण जाने का भागी नहीं बनूंगा। पंडित जी सोच रहे थे, वह सब मुझे पता है, यमदूत ने कहा, आप यदि अपने मित्र से मिलने नहीं जाएंगे तभी नियति नहीं बदलेगी। आपके मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर के पंडित देव शर्मा को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित देव शर्मा के मन की बातें पढ़ ली थी जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब पंडित जी को पूरा विश्वास हो चुका था कि यह महाकाल तो सच में यमदूत है। जब पंडित जी को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि महाकाल ही यमदूत है तो वह घबरा गए। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वह पलट कर अपने गांव की तरफ वापस भागने लगे। लेकिन जैसे ही पंडित जी वापस जाने के लिए मुड़े तो उन्होंने देखा कि उनका मित्र तेजी से उनकी तरफ चला आ रहा था, जो कि पंडित जी को देख करके बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देख करके पंडित जी को ऐसा होने लगा, आभास होने लगा कि जैसे उनका मित्र काफी देर से उनका पीछा कर रहा था। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था, बोल नहीं सकता था और एक पैर से अपाहिज भी था, इसलिए न तो वह पंडित जी को आवाज दे करके बुला सकता था और न वह उन तक के पहुंच ही रहा था। जैसे ही पंडित देव शर्मा के पास पहुंचा तभी अचानक ही वह जमीन पर गिर पड़ा और तभी पंडित जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को देख करके पंडित देव शर्मा हक्के बक्के होकर के महाकाल की ओर देखने लगे। उनके मुख से कुछ भी निकल नहीं रहा था, लेकिन वह पूछना चाह रहे थे कि आखिर ऐसा क्या और क्यों हुआ। तभी उस महाकाल ने पंडित जी के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ करके कहा कि पंडित जी, आपके मित्र ने पिछले गांव में ही आपको देख लिया था और वह वहीं से ही आपका पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने के कारण वह आप तक नहीं पहुंच पाया और उसने अपनी पूरी ताकत लगा करके आप तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती है। वह काफी तेज चला और उसकी सांसें फूल गई, इसलिए उसे दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह आपसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़ करके आपके पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी आप ही। अब पंडित जी को पूरा विश्वास हो गया था कि महाकाल यमदूत ही है और उसका कार्य जीवों के प्राणों को हरना है। लेकिन पंडित जी एक ज्ञानी व्यक्ति थे, वह यह भी जानते थे कि मृत्यु पर किसी का जोर नहीं है, सबको एक न एक दिन मरना ही है। यही सोच करके उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अचानक ही पंडित जी के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा होने लगी। इसलिए उन्होंने यमदूत से पूछा कि हे यमदूत, जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से मेरे साथ क्यों चल रहे थे। यह प्रश्न सुनकर के पंडित देव शर्मा की प्रश्न को सुनकर के वह यमदूत जो था वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि पंडित जी, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूं, किंतु लोग ही नहीं पहचान पाते मुझको, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने और समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता है। तभी पंडित देव शर्मा कहने लगे, अगर आप ही मृत्यु हैं तो क्या आप यह बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब और कहां कैसे होगी। तभी मंद मंद मुस्कुराते हुए महाकाल कहने लगा कि पंडित जी, किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं होता, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जान करके बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि आप ज्ञानी मालूम पड़ते हो और आपने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है उसे देख करके लगता है कि आपकी
अपनी मृत्यु के बारे में जान करके भी दुखी नहीं हुए। महाकाल ने कहा कि तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने के बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से हो, और सबसे विचित्र बात यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी खुशी उस फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर के महाकाल अचानक से वहां से गायब हो गए, क्योंकि अब तो महाकाल के पास पंडित जी के साथ चलने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित देव शर्मा ने वही गांव में अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और उसका क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। धर्मराज कहते हैं कि हे मुनिवर, कोई प्राणी कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जान करके उसे दुख होता है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय वह जरूर खोजता है और वह उससे दूर भागने का हर संभव प्रयास भी करता है। पंडित देव शर्मा ने भी वही किया, क्योंकि पंडित देव शर्मा उस नगर के राजा के एक मुख्य सलाहकार थे, इसलिए उनकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित जी ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर निकालेंगे। तभी पंडित जी यही विचार करते हुए राज दरबार में पहुंच जाते हैं और राजा को सारी घटना के बारे में विस्तार से बता देते हैं। तभी राजा अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताता है और उनसे हर संभव प्रयास करने की सलाह मांगता है। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर पंडित जी की इस बात सही है कि उनकी मृत्यु आज के 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएंगे। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु ही नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी अच्छी और योग्य लगी। इसके बाद पंडित जी के रहने की सारी व्यवस्था राजमहल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना पंडित जी से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन पंडित जी कहीं भी आ जा सकते थे ताकि पंडित जी को यह न लगे कि वह राजा की कैद में है, परंतु पंडित जी डर के मारे स्वयं ही कहीं नहीं आते जाते। और धीरे धीरे महीने बीतते गए, पंडित जी की मृत्यु का समय बिल्कुल नजदीक आने लगा। अंततः वह दिन भी आ गया जिसके आगे अगले दिन ही पंडित जी की मृत्यु होनी थी। जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उससे एक रात पहले पंडित देव शर्मा डर के मारे जल्दी ही सो गए, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि उनकी मृत्यु टल जाए। यही विचार करके वह जल्दी से सो जाते हैं, लेकिन पंडित देव शर्मा को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानते थे। तो फिर राजा मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने के कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। पंडित जी अपनी मृत्यु को लेकर के बहुत चिंतित थे, वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा। उसी रात पंडित जी को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह अचानक से उठे और महल से निकल करके अस्तबल में पहुंच गए, क्योंकि पंडित जी राजा के खास मेहमान थे, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उन्हें रोका नहीं और न ही किसी तरह का कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंच करके वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार हो गए और नींद में ही, अर्थात आंखें तो खुली थी लेकिन उनका दिमाग पर कोई नियंत्रण नहीं था, अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चले गए। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में भी पहुंच गए। उस महल के पहरेदारों ने भी उन्हें नहीं रोका और न ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। वहां सभी लोग रात्रि का अंतिम पहर होने के कारण गहरी नींद में थे। पंडित जी सीधे राजा के शयनकक्ष में पहुंचे, जहां राजा और रानी एक साथ सो रहे थे, और वहीं जाकर के रानी से चिपक करके सो गए। जब सुबह हुई और राजा ने पंडित जी को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो राजा बड़ा क्रोधित हो गया। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों से पंडित जी को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित देव शर्मा को बंदी बना लिया गया। पंडित जी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए, उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के शयनकक्ष में कैसे पहुंच गए, लेकिन वहां उनकी बात सुनने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। राजा ने पंडित देव शर्मा को दरबार में पेश करने का आदेश दिया और कुछ देर के बाद पंडित जी को दरबार में पेश किया गया। पंडित देव शर्मा को देखते ही राजा क्रोध के कारण आग बबूला हो गया और उन्हें फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। फांसी की सजा सुनते ही पंडित जी कांप गए, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटा करके वह राजा से कहने लगे कि महाराज, मैं नहीं जानता हूं कि मैं आपके राजमहल तक कैसे पहुंच गया। मैं यह भी नहीं जानता कि आपके शयनकक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार और सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह होने भी जा रही है।
पंडित जी की यह बात राजा को बड़ी अजीब लगी और उसने पंडित जी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता है कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। राजा के इस प्रश्न को सुन करके पंडित देव शर्मा कहने लगे कि हाँ महाराज, एक भविष्यवाणी के अनुसार मेरी मृत्यु आज ही के दिन फांसी लगने से होगी, नहीं तो भला मैं स्वयं आपके कक्ष में आने का दुस्साहस नहीं करता। इसके बाद पंडित जी ने पिछले 6 महीने की जो भी कहानी थी वह सारी कहानी राजा को सुना दी और कहने लगे कि महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के शयन कक्ष में आपकी उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। अब राजा को पंडित की बात में थोड़ा सा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह कहीं मृत्यु से बचने के लिए यमदूत और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी तो नहीं बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित देव शर्मा से कहा कि यह तुम्हारी बात सच है तो आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत ने तुमसे कहा था तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा, लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। जिस राज्य से वह पंडित देव शर्मा आया था उस राज्य का राजा इस राजा का परम मित्र था, इसीलिए इस राजा ने तुरंत अपने 2 सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास पंडित जी की बात की सच्चाई का प्रमाण मांगने के लिए भेज दी। भेजे गए सैनिक उसी दिन शाम तक वापस लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जी जो कुछ भी कह रहे हैं वह पूरी तरह से सत्य है और पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित जी के रहने का सारा इंतजाम अपने ही महल में कर रखा था। यह पंडित जी राजा के खास मेहमान थे, कल शाम को राजा आखिरी बार पंडित जी से उनके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह राज्य में कैसे पहुंच गए इसकी जानकारी किसी भी व्यक्ति को नहीं है, इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित जी को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने अब धर्म संकट था, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित जी को फांसी की सजा सुना दी थी। अगर पंडित जी को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाता, लेकिन अगर राजा के वचन का मान रखा जाए तो बेवजह एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाती। राजा ने अपने मंत्री और सभी दरबारियों से सुझाव मांगा तो राजा के दरबार में जितने भी मंत्री मौजूद थे उन्होंने कहा कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सोच के धागे से फांसी दी जाए, इससे आपके वचन का मान भी रह जाएगा और पंडित जी की फांसी से पंडित जी बच भी जाएंगे और उनके प्राण भी बच जाएंगे, उनकी मृत्यु नहीं होगी। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव बड़ा अच्छा लगा और यही सुझाव पंडित जी को भी पसंद आया और वे राजी हो गए। राजा ने ऐसा ही करने का आदेश दिया। पंडित जी के लिए कच्चे सूत से धागे की फांसी का फंदा तैयार किया गया और नियम के अनुसार पंडित जी को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। वहां के सभी लोग बहुत खुश थे, न तो पंडित जी मरेंगे और न ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित जी को तो पूरा विश्वास था कि इस कच्चे सूत के धागे से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती और जैसी धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही स्वीकार करोगे, लेकिन जैसे ही पंडित जी को फांसी की सजा दी गई सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले वह धागा अपना काम कर चुका था। पंडित जी के गले की एक नस कट चुकी थी और धागे के झटके से पंडित जी की मृत्यु भी हो चुकी थी और देखते ही देखते पंडित जी का शरीर पूरी तरह से शांत हो चुका था। यह देख करके जो भी लोग थे वह सब पंडित जी को मरता हुआ देख रहे थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से आखिर एक इंसान की मृत्यु कैसे हो सकती है, लेकिन घटना घट चुकी थी। तभी धर्मराज कहते हैं कि हे मुनिवर नारद जी, नियति ने अपना काम कर दिया था और यमदूत की भविष्यवाणी सत्य साबित हो चुकी थी। हे मुनिवर, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो होना होता है वह होकर ही रहता है, हम चाहे कितनी ही सावधानी बरतें, कितने ही उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना का क्रम पहले से ही तय होता है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उन पंडित जी पर भी लागू होती है। अगर पंडित जी ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता तो 6 महीने तक राजा के महल में कैद रह करके डर डर कर उन्हें जीने के बजाय ज्यादा बेहतर जीवन जीना पड़ता। यमराज कहते हैं कि हे नारद जी, इस प्रकार से प्राणी के जीवन में जो भी होने वाला होता है वह होकर ही रहता है। सुख और शांति से जीवन को जीने हेतु उसे अपने भाग्य और भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हर क्षण का, प्रत्येक पल का आनंद लेते हुए अपने कार्य को नित्य रूप से करना चाहिए और सदा ही व्यक्ति को अपने धर्म का आचरण करना चाहिए और अपने अच्छे कर्मों को करना चाहिए, जिससे उसका भविष्य भी बेहतर हो सके। दोस्तों, इस तरह से यमराज ने नारद जी को सारी कहानी सुनाई कि क्या सच में भाग्य का लिखा नहीं टलता है।
दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।